बनारस सज रहा है, बनारस सवर रहा है। 1 PM बनारस पहुंचने वाले हैं और इस महीने की 12 तारीख बनारस के लिए बेहद खास है। पीएम मोदी जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ वाराणसी पहुंचने वाले हैं। दोनों नेताओं के स्वागत के लिए वाराणसी में खासी तैयारी भी हो रही है। तो खास मेहमानों के स्वागत के लिए शिव की नगरी काशी में तैयारियां जोरों पर हैं। ये 3 तस्वीरें अब आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर हैं। 12 दिसंबर को पीएम मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस मौके को यादगार बनाने के लिए बनारस की सड़कों और घाटों को विशेष तौर पर संवारा जा रहा है। अब इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि काशी जल्द ही क्योटो बन जाएगी और भारत विकास की नई ऊंचाई छुएगा। अपने 5 घंटे के दौरे के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री और जापानी पीएम गंगा आरती में शामिल होंगे, लिहाजा पारंपरिक गंगा आरती के वैदिक मंत्रों के बीच लेजर शो का फ्यूजन आकर्षण भी बढ़ाएगा। तो बस अब 2 दिन रह गए हैं और उसके बाद पीएम मोदी जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ वाराणसी पहुंचेंगे और तमाम तैयारियां हो रही हैं इसे लेकर। तो 12 दिसंबर को मोदी और शिंजो आबे वाराणसी आ रहे हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम में यूपी के सीएम अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी शामिल रहेंगे। दोनों प्रधानमंत्री के स्वागत से लेकर उनके विदाई समारोह तक इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। मोदी और शिंजो आबे के दौरे को लेकर वाराणसी को पूरी तरह से चमकाया जा रहा है। चलिए हम रुक करते हैं वाराणसी से। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ गए हैं। अमित, भगवान शिव की नगरी काशी जिसे सजाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं, बस 2 दिन रह गए हैं, उसके बाद पीएम मोदी और शिंजो आबे यहां पर पहुंचेंगे। तो अभी आप क्या कुछ देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं? और अभी हम ये भी खबर बता रहे थे कि यूपी के सीएम अखिलेश यादव इस दौरान वहां पर पहुंचेंगे। किस तरह की तैयारियां इस समय देख रहे हैं, वाराणसी को कैसे सजाया जा रहा है? देखिए, जापान और बनारस के जो संबंध हैं सैकड़ों साल पुराने हैं और हमारी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, और यही साबित करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी को लेकर वो शिंजो आबे को विशेष तौर पर गंगा आरती वो दिखाने ला रहे हैं कि गंगा आरती जिस तरीके से नदी के किनारे हमारे और आपके जो रिचुअल रिलेशनशिप, एक कल्चरल रिलेशनशिप है, वो आज भी उसी तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं। लंबे समय तक जापान और हमारे बीच जो संबंध है वो एक गतिरोध की स्थिति का सामना करते रहे हैं। राष्ट्र में चाहे सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की बात हो या फिर कश्मीर मुद्दे पर, हमेशा जापान हमारा विरोध करते रहा है। लिहाजा ये जो मौका होगा वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री जापान के राष्ट्र प्रमुख को अपने संसदीय क्षेत्र लेकर जा रहे हैं। और यही वजह है कि हर एक चीज 4.5 घंटे में हर एक चीज इंडो जापान के कंपोजिट रिलेशनशिप को प्रतिबिंबित करेगी, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। रनवे से लेकर जहां वो लैंड करेंगे और गंगा आरती देखने तक हर जगह भारतीय जापान की जो मिश्रित शैली है, जो मिक्स कल्चर है, उसको प्रमोट करने की कोशिश हो रही है। चाहे उसमें स्कूली बच्चों की भूमिका हो, चाहे इसमें गंगा आरती के दौरान बांसुरी और जो उनका पियानो है, उनका जो अपना वाद्य यंत्र है ट्रेडिशनल, उसको उसमें जगह दी जाएगी। भोजन तक में जापानी हिंदुस्तानी जो मिक्स एक कुजीन है उसको आगे बढ़ाने का काम होगा। तो 4.5 घंटे तक एक तरीके से कहें तो कल्चरल टूरिज्म की बात होगी। और इसी को लेकर प्रांत के जो मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ 4.5 घंटे तक। बिल्कुल, हमें समझ सकते हैं कि हमारी तमाम परंपराएं, संस्कृति, उसे एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने की कोशिश, और जब 2 दिन बाद पहुंचेंगे उसके बाद का नजारा देखने वाला होगा। लेकिन उसके बाद की काशी की तस्वीर क्या रहेगी ये भी हम देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो भगवान शिव की नगरी है काशी और इस समय पीएम मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे के स्वागत की वो तैयारियों में जुटी है। सड़क से लेकर अगर घाटों तक की बात करें, हर तरफ यहां पर साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। आप इस रिपोर्ट को देखिए।
बनारस को खास मेहमान का इंतजार है। बनारस को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आने वाले मेहमान जापान के पीएम शिंजो अबे हैं। 12 दिसंबर को पीएम अबे वाराणसी आएंगे। पीएम मोदी के साथ वो गंगा आरती में शामिल होंगे। स्थानीय प्रशासन जापान के पीएम के स्वागत के लिए दिन रात जुटा हुआ है। केंद्र की तरफ से बनारस को सजाने संवारने के लिए नगर निगम को 1,86,00,000 रुपए दिए गए हैं। बनारस के गंगा घाटों के पत्थरों को चमकाया जा रहा है। सड़कों पर साफ सफाई चल रही है। कूड़े कचरे के लिए कूड़ेदानों का इंतजाम किया जा रहा है। वेस्ट डंपिंग ग्राउंड भी बनाए जा रहे हैं। संसद देश के प्रधानमंत्री की नगरी है और प्रधानमंत्री की नगरी में विदेशी शासक आ रहा है तो उसका एक जोरदार स्वागत नगर निगम और काशी की जनता स्वागत करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी बनारस की सूरत बदलना चाहते हैं, विकास की नई बयार लाना चाहते हैं। काशी को क्योटो बनाने का सपना संजोए हुए हैं। इसी को देखते हुए जापान के पीएम शिंजो अबे का बनारस दौरा बेहद खास माना जा रहा है। पीएम मोदी और पीएम अबे जब वाराणसी आएंगे तो पूरा शहर एलईडी लाइट्स की दुधिया रोशनी में नहाया हुआ नजर आएगा। बताया जा रहा है कि शिंजो अबे जब बनारस आएंगे तो उनके सम्मान में भोज में बनारस की पहचान, बनारसी पान, रबड़ी और मलैया जैसे लजीज व्यंजन परोसे जाएंगे। दिसंबर के महीने जाड़े में जो जापान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मोदी जी तो अगर बनारस जानते हो तो कई बार मलैयों का जायका लिए होंगे, लेकिन इस बार शिंजो भी खाएंगे तो एकदम गनगना जाएंगे, मजा आ जाएगा। क्या बनारस का मिजाज है। जापान से लोग आते हैं और यहाँ पे पान खाते भी हैं ऐसी, और पान को लाइक करते हैं, स्वीट पान खाते हैं। यहाँ पे टोबैको भी चलता है बहुत ज़्यादा, मगर बाहर से अगर जो भी दर्शनार्थी यहाँ पे आता है वो स्वीट पान ज़्यादा लाइक करता है। जापान के पीएम शिंजो अबे के दौरे के दौरान काशी और जापान की संस्कृति का मेल भी नजर आएगा। पीएम शिंजो अबे सारनाथ में जापान की स्थापत्य कला की बेजोड़ निशानी नीची रेन शैयू मंदिर में भी जा सकते हैं। शयन मुद्रा में साखू की लकड़ी से बनी भगवान बुद्ध की मूर्ति आस्था और विश्वास की पवित्र निशानी है। मंदिर में पूजा के लिए जापानी शैली का घंटा भी मौजूद है। बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग यहां आते हैं। पीएम शिंजो अबे के दौरे को देखते हुए मंदिर में खासी तैयारियां चल रही हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ विजिट कर रहे हैं सारनाथ में, और इस मंदिर में पर्टिकुलर आ रहे हैं। तो जितने भी जो जापानीज जो आए हुए हैं और जिनको जाना था वो अभी भी रुक जाएंगे, और उसके बाद वो जो प्रधानमंत्री जी और जो जापानीज प्रधानमंत्री हैं उनसे भी मिल करके और उनको देख करके और उनका जो है स्वागत करके तभी वो जाना चाह रहे हैं। पीएम शिंजो अबे के सारनाथ में नीची रेन शयू मंदिर आने की संभावना को देखते हुए बहुत से जापानी पर्यटकों ने अपना टिकट कैंसिल करवा दिया है और वो सारनाथ में रुक गए हैं। बहरहाल शिंजो अबे के लिए बनारस से लेकर सारनाथ सज रहा है, संवर रहा है। अब बस इंतजार मेहमान के आने का है। अमित सिंह और रवि पांडे, इंडिया 24/7, वाराणसी। तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के वाराणसी दौरे को लेकर काशी के लोगों को खासी उम्मीद है, और उम्मीद ये की जा रही है कि शिंजो आबे के 5 घंटे के वाराणसी दौरे के दौरान कई बड़े समझौतों पर भी दस्तखत हो सकते हैं। अविमुक्त, महाशमशान, सुरंधर और सुदर्शन, यही पहचान है गंगा के किनारे बसे काशी की। और इसी काशी को देखने 12 सितंबर को भारत आ रहे हैं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। महज 5 घंटों के लिए वाराणसी यात्रा पर आ रहे हैं जापानी पीएम शिंजो आबे को काशी की श्रद्धा, आस्था और परंपरा का दीदार कराया जाएगा। जापानी पीएम की यात्रा को लेकर पूरे बनारस को चमकाया जा रहा है। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। जानकारी के मुताबिक जापान के पीएम शिंजो आबे और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट से मां गंगा की महाआरती देखेंगे। इसके बाद नदेसर पैलेस में
दोनों देशों के पीएम एक साथ डिनर करेंगे। डिनर के समय काशी के कुछ प्रबुद्ध लोगों को शामिल किया जा सकता है। काशी क्योटो के समझौते के तहत जापान और भारत के विशेषज्ञ काशी के विकास पर चर्चा भी करेंगे। जापान और भारत के रिश्ते पहले से मजबूत हैं। काशी के विकास का मॉडल क्योटो की तर्ज पर बनाने की योजना है। जापानी सुरक्षा एजेंसियां और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां एक साथ मिलकर सुरक्षा का प्लान तैयार करेंगी। काशी में विकास के लिए और क्या क्या संभावनाएं हैं, इस पर दोनों प्रधानमंत्री मंथन करेंगे। भारत और जापान की तरक्की के बीच काफी अंतर है। पंडित नेहरू से लेकर आज तक यूएनएसडी सहित हर मुद्दे पर जापान भारत का विरोध करता रहा है। इसके बावजूद बनारस के पीएम बनारस आ रहे हैं। जानकारों की माने तो पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में जापान के पीएम को बुलाकर काशी क्योटो समझौते के जरिए दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। ये तो बनारस शिंजो आबे को ले आना एक तरह से अपने घर ले आना है, तो ऑफिस में बात करना और किसी को घर ले आना दोनों में अंतर होता है। जब तक आत्मीयता नहीं होगी, व्यक्तिगत संबंध नहीं होंगे, तब तक आदमी किसी को घर नहीं लाता। बनारस मोदी जी का घर है। भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी काफी समानता है। दोनों ही देशों के लोग परिवार, नातेदारी और धर्म दर्शन को खासा महत्व देते हैं। शायद यही वजह है कि जापान से आने वाले लोग काशी को खासा पसंद करते हैं। अब एक राष्ट्राध्यक्ष जब उस जगह पे खुद आएगा, जब वो खुद देखेगा कि उसका पैसा कहाँ लग रहा है और क्यों लग रहा है, उसकी महत्ता क्या है, तो आगे भी भविष्य में जो कुछ भी सहायता जापान से मिल सकती है, वो टेक्निकल सहायता हो या धन के रूप में हो या एक्सपर्टीज के रूप में हो, उन सब से बनारस की स्थिति बदलेगी। शिंजो आबे के आने के बाद यहाँ पर बाकी और जापानी कंपनियाँ आएंगी जिनमें और इन्वेस्टमेंट जिनमें ज़्यादा होगा। अभी एट प्रेजेंट 1072 कंपनीज इंडिया में अभी हैं, जापानीज कंपनीज, जिसमें और अभी स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ने वाले नियर अबाउट 25,000 इन इंडिया पढ़ रहे हैं अभी जापानीज लैंग्वेज, तो हमें लगता है कि मतलब और इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया में। काशी क्योटो समिति के सदस्य राणा पीबी से जापान पर काफी काम कर चुके हैं। इनके माने तो इस दौरे से पहले कुछ ठोस होना चाहिए, नहीं तो जापान के पीएम का वाराणसी दौरा सिर्फ शो ऑफ बनकर रह जाएगा। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री को भी खुलकर सामने आना चाहिए, क्योंकि बनारस यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में है। वहीं अर्थशास्त्रियों की माने तो जापानी पीएम के दौरे से वाराणसी में कुटीर उद्योग को एक नई जान मिल सकती है। शिंजो आबे को बनारस लाने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद बनारस का विकास करना है। जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है उन पर नजर डालें तो बुद्ध सर्किट के विकास की अहम कड़ी है सारनाथ। यहां पर पर्यटन और संस्कृति के लिए 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2017 तक होने हैं। स्वच्छता से जुड़े सॉलिड वेस्ट, एसटीपी और बायो टॉयलेट जैसे 500 करोड़ के प्रोजेक्ट का काम 2019 तक होना है। फिलहाल मोदी के साथ साथ बनारस को भी उम्मीद है कि इस बार जापान के पीएम शिंजो आबे जब काशी आएंगे तो दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। अमित सिंह, इंडिया 24/7, वाराणसी।